जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे मेथी की भजिया बिना चावल के आटे और ना ही बेसन के। बहुत ही आसान और हेल्दी सी रेसिपी है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो उसे शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बनाएंगे मेथी की भजिया, मेथी की पकौड़ी। एक कप लेंगे ज्वार का आटा, साथ ही उसमें डालेंगे हरी मेथी। मेथी को अच्छे तरीके से धो लें, धोने के बाद जितना बारीक हो सके तो उतना काट लें। तो यहाँ पे हमने मेथी को बारीक काट लिया है, तो एक कप हमने यहाँ पे लिया है मेथी, हरी मेथी। अगर आप ग्राम से देखेंगे तो 100 ग्राम है। एक चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। बहुत ही आसानी से ज्वार का आटा मार्केट में मिल जाता है, तो आप इसे ले लें। और यहाँ पे हम डालेंगे कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ते को काट के डालें। और यहाँ हम लेंगे हरी मिर्ची, तो 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इस तरीके से क्रश करके हाथों से तभी डालें। 4 पिंच डालेंगे हींग, हींग ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, अगर हो तो ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 नींबू का रस, आप नींबू के रस की जगह दही भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बस सबको मिला लेंगे। तो अच्छी तरीके से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और यहाँ पे पकौड़े का पेस्ट बना लेंगे, जिस तरीके से हम भजिया बनाते हैं ना, भजिया पकौड़ा। तो ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। साथ में हमने डाला है 1/2 चम्मच इनो, थोड़ा सा पानी डालेंगे, सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको इनो नहीं मिलता है तो एक इनो की जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, और हाथों से अच्छे तरीके से मिला लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो चुका है। और फटाफट इस तरीके से हम भजिए को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम भजिए को डीप फ्राई कर रहे हैं, तो 2 मिनट तक आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें। और 2 मिनट जैसे ही हो जाते ना, यकीन मानिए भजिया अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तो यही पहचान है कि आपके भजिए का डो बहुत ही अच्छा बना था। तो बस दोनों तरफ से हमें अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना, और ये आपका हेल्दी एंड टेस्टी ज्वार के आटे से बना मेथी भजिया बनकर के तैयार है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है। ये हमारा मेथी गोटा, मेथी भजिया, मेथी पकौड़ा बनकर के तैयार है। तो चलिए हम सारे भजियों को इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारे सारे भजिया बनकर के तैयार हैं। आप इसे सॉस या चटनी के साथ खाएँ, गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारी आज की रेसिपी जो मेथी की भजिया, यहाँ पर हमने ना ही बेसन डाला है और ना ही चावल ना सूजी, फिर भी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खस्ता करारा और सॉफ्ट भी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।